Hello friends, today discuss about total pressure on plane surface area. आज हम देखेंगे कि जब कोई body, plane, हो चाहे horizontal हो, vertical हो या incline हो, जब हम किसी liquid में immerse करेंगे, उसे डुबाएंगे, तो उसके pressure में क्या होगा? और pressure हमारा कितना आएगा? आइए देखते हैं। ये हमारा generally three types का होता है, horizontal plane surface और vertical plane surface and incline plane surface। तो हम फर्स्ट बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की। तो सपोज दैट एक हमारा प्लेन है और उसको हमने एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी हमारी रो है और वाटर है, कोई लिक्विड है, तो डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट होगा उसका, जी सेंटर ऑफ प्लेन है और एक्स जो डेप्थ, ये जो हमारा सेंट्रॉइड पड़ रहा है सेंटर से, वो हमारी एक्स डैश है फ्रॉम फ्री सरफेस एरिया। तो कोई हमारा जब प्लेन है तो उसका एरिया होगा, तो कंसीडर प्लेन सरफेस एरिया ए। तो हम बात करते हैं प्रेशर इंटेंसिटी की। प्रेशर इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट क्या होगी? रो जी एक्स और डब्ल्यू को हमारा होता है रो जी, तो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एक्स डैश। अब हम आगे देखते हैं, हम सपोज दैट कोई इसमें स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या कर टोटल प्रेशर हमारा ज्ञात हो जाएगा। सपोज दैट लेट अ स्मॉल प्लेन सरफेस एरिया डी ए, देन टोटल प्रेशर ऑन स्ट्रिप, ये जो हमने कंसीडर की है क्या हो जाएगा? डीपी इक्वल टू पी क्रॉस डी ए। प्रेशर हमारा हो गया डीपी पी और ये हमारा क्रॉस डी ए जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है। तो पी इक्वल हमने क्या निकाला था? अभी पी इक्वल निकाला था रो जी एक्स डैश। तो यहां पुट करेंगे रो जी एक्स डैश इंटू डी ए, ये हमारा स्मॉल का है। जब हम पूरे प्लेन की बात करेंगे देन टोटल प्रेशर ऑन इंटायर स्प्रिट एंटायर प्लेन। जब हम प्रेशर जब हम कोई छोटे एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट लेते हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या करेंगे इंटीग्रेट करें, तो हमारा आएगा डी पी इक्वल इंटीग्रेशन रो जी एक्स डैश क्रॉस डी ए। तो ये हमारा हो जाएगा डी पी रो जी, तो हमारा एक्स डैश बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी ए। हमने क्या माना था? जो स्मॉल एलिमेंट के लिए है और हमारा जो पूरे प्लेन का एरिया हमें क्या माना था ए, तो क्या हो जाएगा रो जी एक्स डैश इंटू ए ये पी। कहने का मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस है, जब हम कोई लिक्विड में इमर्स करेंगे तो जो हमारा प्रेशर आएगा आएगा रो जी एक्स डैश ए, जहां रो हमारी डेंसिटी है, जी हमारी ग्रेविटी है, एक्स डैश जो है डिस्टेंस है बिटवीन फ्री सरफेस और ये प्लेन की, और ए जो हमारा है एरिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्टिकल प्लेन सरफेस।